तो हाँ भाई, आगे सारे। तो भाई सबसे पहले तो इंट्रो कर लेते हैं, ठीक है। राम राम भाई सारे ने, मेरा नाम मनोज गिला, उधर फ्लाई विद स्क्वायर चैनल आप देख रहे हो सभी, ठीक है। और जो आज की वीडियो है उसका टॉपिक कुछ नया ही आया है मार्केट में, उससे रिलेटेड है, ठीक है। तो आज का टॉपिक इस बारे में होगा, एयर एशिया कैडेट पायलट प्रोग्राम के बारे में, जो कि अभी आई थिंक 1 वीक भी नहीं हुआ है लॉन्च हुए उसको। तो कैडेट पायलट प्रोग्राम एयर एशिया ने अपना लॉन्च किया है, मतलब मार्केट में लेके आए हैं एक तरीके से बताएं तो उनका टाई अप किसके साथ है, क्या फ़ीस स्ट्रक्चर है, कैसे क्या एलिजिबिलिटी है, क्या कोर्स की डिटेल्स वगैरह हैं, वो सारी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो फिर करें वीडियो को स्टार्ट। तो चलिए फिर वीडियो के बारे में बात करते हैं कि एयर एशिया कैडेट पायलट प्रोग्राम कैसे क्या और इसके में क्या क्या चीज़ें हैं और क्या क्या एलिजिबिलिटी वगैरह है, ठीक है। मैंने सब कुछ अपना नोट डाउन करके फ़ोन में रख लिया पहले ही, ताकि आप सभी को अच्छे से बता सकूँ, लाइक टॉक अबाउट एयर एशिया कैडेट पायलट प्रोग्राम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं किस बारे में कि इसका ट्रेनिंग का पार्टनर कौन है, ट्रेनिंग पार्टनर किसके साथ मतलब टाई अप वगैरह किया है इन्होंने, ठीक है। तो इन्होंने टाई अप किया न्यूजीलैंड में, ये न्यूजीलैंड एयरलाइन अकेडमी, इनके साथ इन्होंने टाई अप किया है, मतलब ये पार्टनर इनके एयर एशिया जो कैडेट पायलट प्रोग्राम है। और ठीक है, ये चीज़ तो हो गई कि इन्होंने न्यूजीलैंड एयरलाइन अकेडमी के साथ टाई अप किया है। तो आगे बात करते हैं कि भाई इनकी प्रोग्राम जो है, इनकी एलिजिबिलिटी क्या होगी। एलिजिबिलिटी में देखो, सबसे पहले तो नेशनलिटी की, भाई ओबियस ही बात है, इंडियन होना चाहिए, ठीक है। अगर इस प्रोग्राम के तहत आना चाहते हो तो, मतलब इस प्रोग्राम के थ्रू आप सीपल वगैरह करना चाहते हो, ठीक है, सबसे पहले आपको नेशनलिटी इंडियन होनी चाहिए आपकी। उसके बाद बात करते हैं कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन, वही जो नॉर्मल सी कमर्शियल पायलट के लिए हमें चाहिए होता है, 10+2। इसमें परसेंटेज का कितना बताया इन्होंने, परसेंटेज एग्रीगेट परसेंटेज बताया इन्होंने 60%। 60% में देखो, आपकी फिजिक्स केमिस्ट्री और इंग्लिश तीनों में, सॉरी फिजिक्स मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री, इन तीनों में 60% अबव होने चाहिए, ठीक है, 60% या 60% अबव होने चाहिए, ये चीज़ होगी। आगे एज की बात कर लेते हैं कि कितनी एज से कितनी एज तक इसके अंडर आ सकते हैं, 18 to 28 एज जो क्राइटेरियन है वो 18 to 28 है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं मेडिकल, भाई मेडिकली ओबियस सी बात है, अगर आप एविएशन फील्ड में आ रहे हो तो मेडिकली फिट आपको होना है, क्लास 1 और क्लास 2 मेडिकल, इसमें वही चीज़ है, वही मांगा हुआ है कि आपने क्लास 1 और क्लास 2 मेडिकल आप फिट होने चाहिए, नॉर्मल सी चीज़ ये है। उसके बाद आगे बात करते हैं इसमें सिलेक्शन प्रोसीजर वगैरह क्या है। 4 फेस होंगे, सबसे पहला जो फेस 1 होगा वो होगा सुटेबिलिटी, ठीक है, सुटेबिलिटी होगा। सेकंड नंबर का फेस होगा प्रोफेशिएंसी, थर्ड पे होगा एप्टीट्यूड, आपका एप्टीट्यूड ये हो थर्ड फेस, ठीक है। फोर्थ फेस होगा इंटरव्यू। इस 4 फेस में आपका जो कैडेट पायलट प्रोग्राम इन्होंने डिवाइड किया हुआ है, तो अभी इन फेस के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि फेस 1 में क्या क्या है, फेस 2 में क्या क्या है, फेस 3 में क्या है, फेस 4 में क्या है। अभी थोड़ा बहुत इन फेज़ के बारे में जान लेते हैं, फेजेस के बारे में कि इन फेजेस के अंदर इन्होंने क्या क्या रखा है, ठीक है। तो भाई जो सुटेबिलिटी है इसमें इन्होंने रखा है, जो फेस 1 है सबसे पहली बात तो वो ऑनलाइन होगा, ठीक है, ऑनलाइन होगा जो फेस 1 है। और जो अलग फेसेस हैं फेस 3 फेस 2 फेस 4 ये ऑफलाइन होंगे, आपके ये मतलब कहीं किसी जगह पर लोकेशन पर होंगे, जबकि फेस 1 ये ऑनलाइन होगा। तो फेस 1 में सुटेबिलिटी है ना, इसमें एलिजिबिलिटी में इन्होंने 2 ऑप्शन दिए हुए हैं, नंबर 1 एजुकेशन और नंबर 2 दिया इन्होंने फिजिकल। फिजिकल में भी इन्होंने सब ऑप्शंस दिए हैं, इसमें आईसाइट, इसमें इन्होंने सब ऑप्शंस में इसमें दिए हैं, सब ऑप्शन में इन्होंने दिए हैं आईसाइट और आपका हाइट दिए, ठीक है। उसके बाद जो सुटेबिलिटी में इन्होंने ये चेक करेंगे पर्सनैलिटी और आपका वर्क प्रेफरेंसेस क्या है, ठीक है, ये चीज़ होंगी सुटेबिलिटी में जो फेस 1 आपका ही, और ये ऑनलाइन होगा, ठीक है। इसमें पेमेंट होगी आपकी कुछ, मतलब वो मैं आपको चार्जेस भी बताऊंगा कि कैसे क्या फीस के चार्जेस हैं, और टोटल बाद में फीस जो भी चार्जेस और फीस वगैरह उनकी बात हम बाद में करेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल फेजेस के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है, ये चीज़ होगी। अब बात करते हैं फेस 2 के बारे में, ये फेस 2 आपका मतलब किसी लोकेशन पे होगा, इन्होंने 4 लोकेशन दिए है, बेंगलोर हो गया, दिल्ली हो गया, कोलकाता हो गया और आपका मुंबई हो गया, ठीक है, 4 लोकेशन पे फेस 2 होगा। इसमें फेस 2 अब मैंने आपको बताया था कि प्रोफेशिएंसी का है फेस 2, ठीक है। इसमें इन्होंने 2 चीज़ें होंगी, देखो सबसे पहले तो क्वांटिटेटिव क्रिटिकल थिंकिंग ये टेस्ट ये लेंगे, ठीक है, और दूसरा है साइकोलॉजिकल स्क्रीनिंग, जिसको PAS करके इन्होंने डिनोट किया, PAS करके जो ये है ना, ये साइकोलॉजिकल स्क्रीनिंग होगा आपका। और जो क्वांटिटी क्रिटिकल थिंकिंग है उसके अंडर इन्होंने 3 पॉइंट दिए हैं, लैंग्वेज एंड वर्बल अंडरस्टैंडिंग, न्यूमेरिकल प्रोफेशिएंसी, ठीक है, और तीसरा है क्रिटिकल थिंकिंग। अब जो फेस 3 है वो भी आपका बेंगलोर होगा, ठीक है। फेस 3 था एप्टीट्यूड टेस्ट है, एप्टीट्यूड टेस्ट के अंदर क्या क्या है, स्पेशल ओरिएंटेशन है, ठीक है, स्पेशल ओरिएंटेशन में हैंड आई का कोऑर्डिनेशन देखेंगे और मल्टीटास्क मैनेजमेंट होगा,
और आपका शॉर्ट टर्म मेमोरी चेकअप होगा एक टाइप से देखा जाए तो, कि आपको कम टाइम में क्या चीज़ें याद रहती हैं या भूल जाते हो। और इसके अंदर जो दूसरा है वो एक फिजिक्स का टेस्ट होगा आपका, ठीक है, ये चीज़ होगी फेज़ थ्री में। और फेज़ फोर भी बेंगलोर ही होगा, फेज़ फोर बेंगलोर में आपका पर्सनल और पैनल इंटरव्यू लिया जाएगा, ठीक है, आपका ये फेज़ फोर में इंटरव्यू हो गया, ठीक है, ये चीज़ होगी भाई आपकी, मतलब हमने चारों फेज डिस्कस कर लिए हैं। उसके बाद हम ट्रेनिंग का इनका मतलब पाथवे की कैसे क्या, ये पहले ग्राउंड क्लासेस कराएंगे, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, क्या क्या प्रोसेस ही करते चलेंगे आगे, तो जो इनका इन ट्रेनिंग का पाथवे है उसको बता देता हूँ। जो ट्रेनिंग पाथवे है, सबसे पहले ये ग्राउंड क्लास स्कूल्स होंगे आपके, ग्राउंड क्लासेस होंगी, उसके बाद फ्लाइट, सेकंड नंबर फ्लाइट ट्रेनिंग कराएंगे, थर्ड पे आपका कन्वर्जन होगा, ठीक है, कन्वर्जन के बाद आपका फ्लाइंग टेस्ट होगा, फ्लाइंग टेस्ट के बाद आपका टाइप राइटिंग होगी, टाइप राइटिंग ये देंगे आपको एयरबस A320 पे, ठीक है। उसके बाद ग्रेजुएशन, मतलब आपको एयर एशिया में सेकंड ऑफिसर की जॉब मिल जाएगी इसके थ्रू, अगर आप सब कुछ अच्छे से करते हो तो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट फाइनेंस एंड फी स्ट्रक्चर, अभी थोड़ा फी स्ट्रक्चर और फाइनेंस वगैरह के बारे में बात करते हैं, कि जो असेसमेंट फीस वगैरह, जो ये देखो सबसे पहले मैंने बताया था कि आपको जो फर्स्ट टेस्ट है वो ऑनलाइन होगा, उसके लिए इसमें बहुत सारी चीज़ें देखो इन्होंने दिया हुआ है, जो स्क्रीनिंग होगा ना उसमें एलिजिबिलिटी और सुटेबिलिटी का जो चार्जेज हैं वो 3,500 रुपीज़ हैं। उसके बाद कैंडिडेट्स QCT एंड PAS, जो मैंने आपको दो टेस्ट बताए थे, ठीक है, जो स्क्रीनिंग टेस्ट वगैरह बताया था, और जो ये कैंडिडेट का QCT टेस्ट बताया था, इसकी जो फीस है ये है 4,000 रुपीज़। उसके अलावा साइकोमीटर स्पेशल एबिलिटी एंड जो फिज़िक्स का टेस्ट वगैरह होगा उसकी फ़ी है 3,600 रुपये है, तो टोटल ये हो गया हमारे 11,100 रुपये, ठीक है। तो ये जो असेसमेंट फ़ीस वगैरह ये होगी। जो अब ट्रेनिंग फ़ीस है, ट्रेनिंग फ़ीस में भाई क्या क्या चीज़ें इन्होंने मतलब कितना गया कोर्स की फ़ीस स्ट्रक्चर बताया है, और कितना जो कितने दिन ये कोर्स चलेगा तो उसमें कितनी फ़ीस होगी, एक एक मतलब इन्होंने अपना पहले ही बताया हुआ था कि कितनी क्या फ़ीस होगी हमारी, तो उस चीज़ के बारे में बता देता हूँ कि जो ट्रेनिंग फ़ीस है, सबसे पहले तो ग्राउंड स्कूल होगा, जो ग्राउंड स्कूल इंडिया में होगा, लोकेशन इंडिया होगी, ठीक है, आपके 4 मंथ की क्लासेज चलेंगी ग्राउंड स्कूल में, ग्राउंड क्लासेज होंगी, उसमें इन्होंने फ़ीस दी हुई है आपकी 2 लाख रुपए ये चार्ज करेंगे आपकी ग्राउंड क्लासेज के लिए 4 मंथ के लिए। उसके बाद ये फ्लाइंग ट्रेनिंग कराएंगे आपकी, जिसमें CPL प्लस मल्टी इंजन इंस्ट्रूमेंट रेटिंग होगी, जो कि होगी आपकी न्यूजीलैंड, ठीक है, न्यूजीलैंड होगी 12 से 14 महीने के अंदर अंदर ये आपकी CPL कंप्लीट कराएंगे, जो फ्लाइंग ट्रेनिंग है और मल्टी इंजन इंस्ट्रूमेंट रेटिंग है, इसकी फ़ीस इन्होंने चार्ज किया है 40 लाख, मतलब 40 लाख रुपये। उसके अलावा थर्ड ऑप्शन पे जो मतलब इन्होंने रखा है वो अकोमोडेशन, फूड, ट्रांसपोर्ट, ये तीन चीज़ रखी है, मतलब अगर आप न्यूजीलैंड रहते हो तो 12 महीने का जो खाना है वहाँ पे रहना है, और जो ट्रांसपोर्ट का खर्चा है वो इन्होंने मिला के लगाया है 12 मंथ का 9 लाख रुपये, ठीक है, 9 लाख रुपये आपका ये उन्होंने चार्ज करेंगे ये, अगर आप एडमिशन वगैरह लेते हो तो, अगर आपका मतलब प्रोसीजर के थ्रू आप ये सारे चार फेज पास करके वहाँ पे जाते हो, और उसके बाद आप अगर एडमिशन लेते हो तो ये यहाँ पे होगा। उसके बाद लाइसेंस कन्वर्जन, इंडिया में आने के बाद आपका लाइसेंस कन्वर्जन होगा, ठीक है, उसमें इन्होंने बताया कि हमारा जो मिनिमम टाइम इन्होंने बताया कि चला कि 2 मंथ लगेंगे, 2 मंथ का जो फीस होगी वो 4 लाख रुपये, ठीक है, फीस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग 4 लाख रुपये आपसे चार्ज करेंगे कन्वर्जन का। लास्ट में बचता है टाइप रेटिंग, आपका एयरबस A320 की टाइप रेटिंग कराएंगे, जिसमें प्लस में जेट फैम्प एंड MCC कराएंगे, जिसमें आपकी ये कॉपी होगी टाइप रेटिंग आपकी मलेशिया होगी, मलेशिया 4 महीने की टाइप रेटिंग कराएंगे और आपसे 25 लाख रुपये चार्ज करेंगे, ठीक है, ये चीज़ होगी भाई फ़ीस स्ट्रक्चर। तो ये जो टोटल फीस है इनकी पड़ी 80 लाख रुपीज़, और ऊपर 11,000 वो थे, ठीक है। अभी मैं बता दूँ 2-3 चीज़ें कि भाई जो प्राइस हैं वो भाई ज़रूरी नहीं है कि सेम रहें, भाई बढ़ भी सकते हैं घट भी सकते हैं, ये चीज़ इन्होंने अपने उसमें बता रखी है वेबसाइट पर, कि जो टाइप रेटिंग और उनकी जो एसोसिएट चीज़ें फ्लाइंग ट्रेनिंग वगैरह है वो वेरी टाइम टू टाइम वेरी करती हैं कोस्ट वगैरह इनकी, ठीक है। और जो कोर्स का जो भाई बहुत सारी चीज़ें इन्होंने मेंशन नहीं की हैं, जैसे अभी देखो इंडिया में आप 4 महीने के लिए रहोगे, 4 महीने के लिए रहोगे तो भाई आपका रहना खाना पीना और भाई ट्रांसपोर्ट वगैरह खर्चा ये नहीं देंगे, आपको खुद से करना है, वो इसमें ऐड नहीं किया हुआ इन्होंने। इन्होंने अपनी वेबसाइट पर वगैरह सारा कुछ बता दिया, मैं उस वेबसाइट का लिंक भी नीचे डाल दूंगा, आप वहाँ पर जाके देख लेना। तो ये चीज़ होगी आपका जो मतलब, और वीज़ा फ़ीस होगी वो ये नहीं देंगे, आपकी जो लाइसेंसिंग फ़ीस होगी वो ये नहीं देंगे, मेडिकल फ़ीस होगी प्लस में एयर जो एयर टिकटिंग के जो फेयर वगैरह हैं जो मतलब आप बाहर जा रहे हो आ रहे हो वो चार्जेस आपको खुद से देने पड़ेंगे, कितने जो भी इनको लगता है, ठीक है, पैसा आपका। और उसके अलावा अगर आप टाइप रेटिंग के लिए जैसे मलेशिया जाते हो, मलेशिया जाने का आपका रहना सहना खाना ट्रांसपोर्ट का खर्चा आपको खुद करना पड़ेगा, ये इस कोर्स में इंक्लूड नहीं है,
और लास्ट में बता देता हूँ आपको जो फंडिंग ऑप्शंस हैं, मतलब इन्होंने टाई अप किया हुआ है HDFC बैंक के साथ, ठीक है। HDFC बैंक, अगर आप 20 लाख तक का मतलब लोन लेते हो बैंक से, तो आपको कोई कोलेटरल नहीं देनी, अनसिक्योर्ड लोन के तहत आएगा वो। अगर आप 20 लाख से ऊपर का लोन लेते हो, ठीक है, ऊपर का लेते हो, तो आपको कोलेटरल देनी पड़ेगी, रखनी पड़ेगी अपनी, मतलब एज ए सिक्योरिटी, आपको अपनी कोलेटरल एज ए सिक्योरिटी उनके पास, बैंक के पास रखनी पड़ेगी, ये चीज़ होगी। तो आगे बता देता हूँ, अभी देखो जैसे आपका भाई इंटरेस्टेड हो इस कोर्स में, एयर एशिया कैडेट पायलट प्रोग्राम में, तो अभी इनका पोर्टल खुला हुआ है, 23 जून 2019 इनकी लास्ट डेट है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप जाके अप्लाई कर सकते हो। आपको करना क्या है, एक वेबसाइट है इनकी, इनकी वेबसाइट है cadetpilotindia.airasia.com। इस वेबसाइट पे जाओगे ना आप, तो आपको लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है, सॉरी लेफ्ट नहीं, राइट हैंड साइड में कॉर्नर में आपको अप्लाई नाउ का एक ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक करोगे ना, तो उसके बाद आपको आगे आएगा साइन अप, आपको साइन अप करना पड़ेगा। उसके बाद ये जो ऑनलाइन आपका, मैंने पहले बताया था, जो फेज़ वन है वो ऑनलाइन होगा, उसके लिए आपको फ़ीस चार्ज करेंगे ये, तो ऑनलाइन वो टेस्ट आपको होगा, ये चीज़ होगी। उसके बाद आपके जो फर्दर फेज़ टू है, फेज़ थ्री है, फेज़ फोर है, वो ऐसे आगे आगे चलते जाएंगे। तो भाई ये सारी डिटेल कैडेट पायलट प्रोग्राम के बारे में थी, तो उम्मीद करता हूँ भाई कि आप जो, आपको समझ आया होगा कुछ। अगर समझ नहीं आया हो तो कमेंट कर देना भाई, आपकी जो भी क्वेरी होंगी मैं उनका रिप्लाई दे दूंगा। और करना आपको है, अगर करना चाहो, एयर एशिया का नया कैडेट पायलट प्रोग्राम खुला है, तो आपकी मर्ज़ी है, करना चाहो तो कर सकते हो, अगर नहीं करना चाहो तो वो भी आपकी मर्ज़ी है, लेकिन इन्फॉर्मेशन देना मेरा काम था, आप तक मैंने बात पहुँचा दी है, आगे आपको देखना है। अगर भाई लगे कि हम कर सकते हैं, आपके पास पैसा है तो कर सकते हो भाई, ये कम से कम जाके पड़ेगा आई थिंक टोटल, अगर फिर भी लगा के चलो नहीं 10 लाख और ऊपर लगा लो यार, ठीक है, तो ये करीबन आपका 90 लाख के करीब जाएगा। 90 लाख में टोटल आपका ये आपको पायलट बना के देंगे एज ए सेकंड ऑफिसर एयर एशिया में। आप एयरबस A320 पर एज ए सेकंड ऑफिसर लगोगे पायलट, ठीक है, तो आप देखना आपको है। मैंने आप जितनी इन्फॉर्मेशन मैं बता सकता था आपको बता दी है, तो भाई उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेटिव रही हो आपके लिए। मिलता हूँ एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने माता पिता का ख्याल रखें, खुश रहें, आबाद रहें, गर्मी है बच के रहें, और भाई लू है तो थोड़ा घर के अंदर ही रहें, मतलब बाहर गर्मी में ना घूमें, अगर बाहर जाते हो तो पानी की बोतल साथ लेके जाएं, ठीक है। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तो बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज़, वंदे मातरम, जय हिंद। Peace.